देखिए लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे थे, उसके बाद सीएनजी के दाम बढ़े, पीएनजी के दाम बढ़े, तो इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि किचन तक जो महंगाई है वो पहुंच जाएगी। और आप देखिए बीते 10 दिनों के अंदर 9 बार ये पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, इससे जाहिर सी बात है आम जनता तो परेशान है। लेकिन अब आने वाले दिनों में, क्योंकि हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो साग सब्जियाँ और दूध, तमाम जरूरत के जो सामान हैं वो इन गाड़ियों के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका सीधा असर किचन तक पड़ेगा, आम जनता तक पड़ेगा। और आज आप देखिए जिस तरीके से हम सिलेंडर की बात करें, 137 दिनों के बाद जब पहली बार रेट बढ़ा था, यानी कि चुनाव संपन्न होने के बाद जब रेट बढ़े तो 50 रुपये घरेलू सिलेंडर के रेट बढ़ गए थे, तो ये माना जा रहा था कि अभी चलो आगे के रेट जो है वो नहीं बढ़ाएंगे कंपनियां। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जब ये रेट बढ़ने शुरू हुए तो आज कॉमर्शियल का जो रेट आया है वो 250 के पार पहुंच गया है। अब ऐसे में आप देखिए अगर कॉमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है तो अब इसका सीधा असर आपको जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे या फिर आप कहीं अच्छे जायके के लिए जाएंगे तो वहां आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी। अब आप अगर हम बात करें मंडियों की, इसका सीधा असर अब जो भारत की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में है, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, वहां पर जिस तरीके से साग सब्जियों के दाम है, दुकानदारों का कहना है कि ज्यादा स्टॉक नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि जो सामान है बहुत महंगे हो चुके हैं। हालांकि अगर हमें हरी मिर्च की ही बात करूं तो 100 रुपए के पार हो चुका है। तो जो महंगाई है लगातार बढ़ रही है और इसका सीधा असर इस पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दामों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में जिस तरीके से तमाम वो चीजें हैं जो जरूरत की चीजें हैं उसके दाम भी बढ़ेंगे। अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा कि दूध कंपनियों ने भी अपने दामों में वृद्धि की थी, 1 से 2 रुपए की जो वृद्धि है वो किया था। और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा हवाला दिया जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, जो कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, उसके बाद जो तेल के दाम बढ़ रहे हैं सरकार लगातार इस बात का हवाला दे रही है। कल हमने देखा देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, धरना प्रदर्शन किया।